बीते दिनों फोर लेन में हाईवे कैंटीन के समीप टैंकर की चपेट में आकर एक महिला पत्रकार की मौत हो गई थी, जो अपने परिजनों से मिलने रायपुर से भिलाई आई थी। सकरी सड़क और उबड़ खाबड़ खड्डों की वजह से युवती अपनी दुपहिया से अनियंत्रित होकर गिर गई और इसी दौरान एक टैंकर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। इस हादसे के बाद भी आज स्थिति जस की तस है, न गड्ढों को भरा गया और न इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने किसी तरह की कोई पहल की गई। घटना स्थल में हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कुछ दिन पूर्व नेशनल हाईवे में इस हाईवे कैंटीन के समीप एक युवती की, जो कि किसी यूट्यूब चैनल में पोर्टल के रूप में कार्यरत थी, पत्रकार के रूप में रायपुर से अपने परिजनों के यहाँ जा रही थी, तो हाईवे ढाबा के समीप आप देख सकते हैं इसी स्थान पर उस युवती को एक टैंकर द्वारा अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि ये ओवरब्रिज निर्माण के दौरान यह स्थिति है, इस फोर लेन की स्थिति काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और क्योंकि ये सिंगल वन वे रास्ता हो चुका है, इस वजह से युवती ही जो कि रायपुर की ओर से आ रही थी उसके पीछे एक टैंकर था और इस गड्ढे को देख करके वो थोड़ा हड़बड़ा सी गई, इस वजह से उसे टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, फोर लेन निर्माण संस्था के द्वारा भी क्षेत्र का इस सड़क का निरीक्षण किया गया, इसको बनाने के लिए तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज इतना दिन बीतने के बाद भी ये स्थिति जस की तस है। इसे देख करके कहा जा सकता है, डबरी को देख करके कहा जा सकता है कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, जबकि अभी ना बरसात का मौसम है ना कुछ, पानी किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, इसका पता करने के लिए भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही। और शाम के वक्त जिस वक्त दुर्घटना हुई, लगभग 5:45 का वो समय था और इस फोर लेन में यातायात का दबाव उस वक्त काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ना तो यातायात पुलिस के कर्मचारी रहते हैं और ना ही किसी एजेंसी के, इसके पूर्व भी एजेंसी कर्मचारियों द्वारा दुर्घटना के पश्चात कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों तक इस रोड की मॉनिटरिंग की गई, व्यवस्था को बनाए रखने की, उसके बाद से अभी कोई नज़र नहीं आता। आज भी स्थिति जस की तस है। अभी दो तीन दिनों फिर केंद्र की एक संस्था द्वारा इस क्षेत्र का जो दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने, उनके रोकथाम को लेकर के केंद्र की एक संस्था द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। इस सड़क पे की टीम आई थी, उस टीम में यातायात के विभाग के अधिकारियों के अलावा RTO के भी अधिकारी मौजूद थे, तमाम तरह की प्रक्रियाएँ हुई, उसके बाद मीडिया के समक्ष भी उनके द्वारा बयान दिया गया कि इस दुर्घटना को रोकने, व्यवस्था को बनाए रखने, आवाजाही करते लोगों किसी तरह की परेशानियों को से बचाने कुछ निर्णय लिए जाएंगे तत्काल, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज भी लोग यहाँ, क्योंकि एकमात्र रास्ता है हाईवे का, फोर लेन का, लोग डर करके इस रास्ते से आवाजाही करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुर्घटनाएँ रोकने, इस सड़क को व्यवस्थित करने, जब से निर्माण कार्य चल रहा है ओवरब्रिज का, तब से इसकी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित, तो मात्र खानापूर्ति के लिए जो निर्माणीय एजेंसी है उसके द्वारा कुछ स्थानों पर डामरीकरण किया गया, उबड़ खाबड़ सड़कों को समतल करने की वजह से, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, लेकिन जो जिसे डेंजर पॉइंट कहा जाए, डेंजर पॉइंट वाले स्थानों को उपेक्षित छोड़ दिया गया, जो डामर लगाए भी गए वो पूरी तरह से उखड़ने की कगार में पहुँच चुके हैं, वो डामर रोड जो है जर्जर सड़क में तब्दील हो गई है। इसे देखने ना किसी जिम्मेदार विभाग के पास है, व्यवस्था को सुधारने के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के पास ना समय है, ना किसी तरह की कोई पहल की जा सकती है। लैंड एस जेनू तमाम शहरवासियों से ये अपील करता है कि अपनी जान को सुरक्षित रखने की खातिर इस सड़क पे व्यस्त मार्ग पर काफ़ी हद तक अपने आप को नियंत्रित करते हुए व्यवस्थाओं को देखते हुए, चूँकि उन्हें ही इस ओर आवाजाही करना है, उनके देख रेख के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए भी फिलहाल कोई सामने नहीं आए, तो अपनी जान को जोखिम में डाल करते हुए जो यातायात इस मार्ग से आवाजाही करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि देख करके चले, सुरक्षित रूप से चले, भले अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको कुछ वक्त जरूर लगे, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए स्वयं की जान को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों को सुरक्षित रखते हुए इस सड़क से आवाजाही करें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।